यही आप देख सकते हो भोले बाबा वहां पे बैठे हैं तपस्या कर रहे हैं। रुको 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 दिखे महादेव महादेव। हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल। जब सोचो अगर आपकी हर सुबह ऐसे व्यू के साथ हो तो क्या मज़ा है। तो अभी भी हम गोकर्ण में और अभी निकल रहे हैं मुर्डेश्वर के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या मज़ा आता रहेगा ऐसे व्यू के साथ। तो गाइस देखिए क्या प्यारा व्यू है सुबह को, अभी धूप निकली नहीं है। मतलब ये जबरदस्त लोकेशन है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, ऐसा ही व्यू आपको कहाँ पे मिलेगा। आज का हमारा प्लान है मुर्डेश्वर, हम मुर्डेश्वर जा रहे हैं और मुर्डेश्वर से जाएंगे जोग फॉल्स। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फॉल। मतलब बारिश में आप आओगे तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अभी पता नहीं कितना पानी रहेगा तो हम लोग जाके देखेंगे। तो चलो फिर हमारी काशी रेडी है। रेडी मतलब आज तो कुछ हमें लेके नहीं जाना है क्योंकि आज गोकर्ण में ही रहने वाले हैं। बस एक टैंग बैग लेके जाएंगे जिसमें हमारा बेसिक सामान होगा। वैसे अभी हम गोकर्ण से हमारे हॉस्टल से निकले हैं जहाँ से जा रहे हैं हम लोग मुर्डेश्वर। तो हम लोग तीन लोग हैं और दूसरा एक बंदा है वो एक्टिवा पे है और एक बंदा मेरे पीछे बैठा है नितिन जो दिल्ली से है। गाइस माहौल काफ़ी अच्छा है, क्लाइमेट इज गुड। यहाँ पे आप देखोगे ना काफी सारी झाड़ियाँ हैं, वेरी लॉट ऑफ ग्रीनरी। मतलब जब से कर्नाटका में हमने एंटर किया थोड़ा इंटीरियर मतलब हाईवे से NH 48 से, तब से ये ग्रीनरी कंटिन्यू। अच्छा है भाई, जितनी ग्रीनरी रहेगी उतना ऑक्सीजन बनेगा, जितनी ऑक्सीजन बनेगा उतनी ही मैनकाइंड ज़्यादा जिएगी। वरना जिस ढंग से हम पोल्यूशन कर रहे हैं माँ कसम 20-25 साल में ही पूरा ऑक्सीजन ख़त्म कर देंगे। देख सकते हो ये रास्ता, ये क्रीक को लग के जा रहा है, कितना खूबसूरत है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और इस तरफ पूरे नारियल के पेड़ है। सामने ये अपना राइडर भाई है, अकेले निकला है सोलो हमारे जैसा। गुड यार, लोग आजकल काफी वेंचर करने लगे हैं सोलो, विच इज अ गुड थिंग। सो गाइस अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, ये पता चला है कि यहाँ से फेरी जाती है अक्रॉस द क्रीक, नहीं तो ऐसे पूरा गोल घूम के जाना पड़ेगा। तो गाइस अभी हम है ये तड़ाड़ी अगनशानी फेरी लाइन, मतलब यहाँ से फेरी चलती है जो यहाँ से निकलेगी और सामने वहाँ पे दूसरा एक ये है उसका डॉक है, वहाँ पे जाएगी। इससे हमारे 17 किलोमीटर्स बचते हैं, मतलब अगर आप घूम के जाओगे तो 17 किलोमीटर गोल घूम के जाना पड़ेगा आपको, बट इससे आपका काफ़ी टाइम बचेगा, फ्यूल भी बचेगा और इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। फेरी में से पहली बार हमारी गाड़ी फेरी में जा रही है। वेयर दैट इज बांगड़ा मैकरल, तो शायद से इस समंदर में मैकरल ज़्यादा आते रहेंगे। बेसिकली ये जो फिश पकड़ के आया है इसमें थोड़ी मिट्टी विट्टी होती है तो ये उसको साफ करते हैं बिफोर इट गोज टू द मार्केट। सो गाइस हमारी फेरी आ चुकी है तो अभी हम जा रहे हैं फेरी में, चढ़ेंगे गाड़ी में, गाड़ी लेके। और ये पहली बार है कि काशी एक फेरी क्रॉसिंग कर रही है, मतलब इनफैक्ट हमने सोचा भी नहीं था। इट्स थैंक्स टू गूगल मैया जिसने हमें ये रास्ता दिखाया और हमारे 20 किलोमीटर बच रहे हैं, 17 नहीं। और इस इलाके में 20 किलोमीटर लाइक 40-45 मिनट्स क्योंकि रोड काफी छोटा है।
छोटी फेरी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो ये बंदा आ गया, इसके लिए ये फेरी फिर से पीछे ले रहे हैं ताकि और एक गाड़ी इसमें चढ़ जाएगा। तो गाइस अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं। होटल ना? हाँ ठीक है। प्लीज़, ये दो गाड़ियाँ और तीन बंदों का टोटल 100 रुपये हो गया। अभी बाइफोकेशन तो मुझे मालूम नहीं है कैसा है, बट इट्स अ गुड डील। 20 किलोमीटर आपके बच रहे हैं। इट टेक्स हार्डली टू नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स। तो दोस्तों हम लोग अभी दूसरी तरफ आ चुके हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 4 से 5 मिनट लगे, बट देन काफ़ी हमारा टाइम सेव हुआ इसके वजह से और काफ़ी किलोमीटर भी सेव हो गए। It was a good experience, something different. वैसे तो महाराष्ट्र में भी है फेरीज, लेकिन हमको उस तरफ जाने का कभी मौका नहीं मिला, बट आज तो हमने सोचा भी नहीं था और स्टिल हम लोग को ये एक्सपीरियंस मिला है। तो गाइस आप देख सकते हो रोड काफ़ी सीनिक है। हाँ तो हमारा भाई पीछे से बोल रहा है कि आदमी पागल हो जाएगा इधर के नज़ारे देख के, जो सही बात भी है। मतलब मैं तो इतना फिर भी शूट किया नहीं, लेकिन आपको मैं बताऊँ ना, जिस जो नज़ारे मैंने देखे अपने खुद की आंखों से, दैट्स लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। बहुत खूबसूरत है ये एरिया। ये मेदू बड़ा है, ऑलरेडी एक राउंड हो चुका है। इतनी भूख लगी थी कि रिकॉर्ड करना मैं भूल गया। ये सेकंड राउंड चल रहा है, तो भी याद आ गया भाई ये रिकॉर्ड करके आपको बताना पड़ेगा क्या खा रहे हैं। तो हमारे भाई भी खा रहे हैं और ये भाई भी खा रहे हैं। मेरे संदेश भाई, मेरे नितिन भाई, आपने तो पहले भी देखा रहेगा वीडियो में, लेकिन फिर से मैं दोहराता हूँ ताकि आप भूल ना जाओ। भाई चाय भी आ चुका है। ये जो बंस है, बंस ये इसमें केला रहता है, मतलब थोड़ा स्वीटनेस रहता है, तो इसको अभी हम चाय के साथ खाएंगे। और ये यहाँ का लोकल है, आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। गाइस अभी हम हैं NH66 हाईवे पे और यहाँ से और 30-35 किलोमीटर है मुर्डेश्वर। सुबह के अभी 8:15 हो रहे हैं। गाइस आप देख सकते हो ये है शरावती रिवर, शरावती रिवर है ये। बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत है। It's huge. ऐसे ये यहाँ से समुंदर को ज्वाइन होती है। अब देख सकते हो राइट साइड में काफी फिशिंग बोट्स हैं।
और ये बीच में ये छोटे छोटे आइलैंड जैसे हैं, पूरे ग्रीनरी से भरे हुए हैं, काफी खूबसूरत लग रहे हैं। मतलब यहाँ से आप छोटी बोट में जाओगे, यू कैन हैव अ स्मॉल शॉट और अ पिकनिक। वो अलग बात है, वहाँ पर बैठने के लिए जगह है कि नहीं। हम पहुँच चुके हैं महतोबर श्री मुरुडेश्वर क्षेत्र। यहाँ से 2 किलोमीटर पे है तो मुरुडेश्वर मंदिर। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। भाई चिल्ला चिल्ला के जा रहे हैं, पता नहीं हो रही। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। तो गाइस आप देख सकते हो ये जो जोश आ रहा है हमारे दोस्तों को और हमें, भाई भोले के स्थान पे जा रहे हैं। अब दूर से गई, आप देख सकते हो भोले बाबा वहां पे बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। रुको 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 दिखे महादेव, महादेव, हर हर महादेव। रुको भाई, तो मेरे को इधर से ही वो होने लग रहा था, धक हो रहा अपन दिल। गाइस ये देखिए नजारा, भोले बाबा की जय। कितना विशाल है ये मंदिर और कितनी विशाल है ये मूर्ति। तो गाइस अभी हम मंदिर के अंदर है, दर्शन हो चुके हैं और अभी मैं आपको ये मंदिर का परिसर दिखाता हूँ। काफी खूबसूरत बनाया है पत्थरों को तराश के। यहाँ पे काफ़ी अच्छी सुविधा बनाई है मंदिर वालों ने, देख सकते हो यहाँ पे लगेज काउंटर है, यहाँ पे आप आपका सामान रख के दर्शन करके आ सकते हैं। और दूसरी बात, ये लोकेशन बहुत प्यारा है, समुद्र के किनारे है। तो गाइस इस मंदिर में ऊपर जाने के लिए यहाँ पे लिफ्ट की सुविधा बनाई गई है। द चार्जेस फॉर द लिफ्ट इज 10 रुपीज़ पर एडल्ट और चिल्ड्रंस के लिए 5 रुपीज़ है। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं, आपको हम ऊपर से नज़ारा दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम लिफ्ट में सवार हो चुके हैं और ये लिफ्ट अभी हमें 18th फ्लोर पे लेके जाएगी, तो मैं आपको वहाँ से नज़ारे दिखाता हूँ। तो गाइस अभी हम 18th फ्लोर पे आ चुके हैं, आप देख सकते हो यहाँ से नज़ारा। तो दोस्तों भोले का दर्शन करके आंखें भी प्रसन्न हुई और आत्मा भी प्रसन्न हुई, तो अभी हम भोले का आशीर्वाद लेके और अगला सफर शुरू करते हैं। तो गाइस अभी हमारे दर्शन हो चुके हैं, हम लोग नीचे आए हैं और कैफे में आए हैं, थोड़ा सा चाय वगैरह पी लेते हैं या नींबू शरबत। लेकिन जो कैफे का जो लोकेशन है आपको मैं दिखाऊँगा, आप खुश हो जाओगे। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, लोकेशन Thank you.
लोकेशन इतना खूबसूरत है कि कुछ खाना पीना तो दूर की बात है, ऐसे ही दिल भर गया। तो गाइस हम यहाँ पे कैफे में, मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, तो हमने मंगाया है ये है फ्रेश लाइम सोडा। थोड़ी गर्मी बढ़ रही है अभी और हाइड्रेटेड रहना ज़रूरी है। तो गाइस फ्रेश लाइम सोडा पी लिया हमने, अभी रिफ्रेश हो गया, अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और मोस्ट प्रॉब्ली विल बी गोइंग टू जॉग फॉल्स जो यहाँ से 79 किलोमीटर है। तो चलो फिर मिलते हैं। कदम्ब कुंकुमत्र वप्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदांध सिंधुर स्फुरत्व गुत्तरीय मे दुरे मनोविनोद अद्भुतं विभर्तु भूत भर्तरी सहस्रलोचन प्रभुत्य शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांघि पीठभू भुजंग गाइस अभी हम मुर्डेश्वर से निकल रहे हैं। काफ़ी धूप तेज़ है, बहुत गर्मी हो रही है, हालत ख़राब हो गई है, पसीना पसीना हो गया हूँ। तो अभी गाड़ी स्टार्ट की है तो अभी हवा लगेगी तो अच्छा लगेगा ज़रा। हेलो गाइस, वीडियो लंबा होने की वजह से आज का ये वीडियो मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। होप सो अब तक का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगला वीडियो देखने के लिए बने रहिए।